असम का 35 डिस्ट्रिक्ट से प्राय आ चुका है। पाँच हजार से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं। मॉर्निंग सेवारो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हूँ बहादुर चराले। आप लोगों को पता ही होगा 28 तारीख है, आज हो रहा है लिम्बू तमांग एसटी डिमांड कमेटी के तरफ से एक जनवेला। जनवेला का साथ साथ शोभा यात्रा भी निकलने वाला है, और ये क्यों निकलने वाला है थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा भारत में सिक्किम और वेस्ट बंगाल में लिम्बू और तमांग को एसटी प्रदान कर चुका है, और आसाम पर अभी तक हुआ नहीं है। तो इसी का कारण लिम्बू तमांग का यहाँ से निकलने वाला है शोभा यात्रा। आसाम के कोने कोने से आए हुए हैं यहाँ पे लोग, तो सारा चीज आपको दिखाएंगे। तो अभी होने वाला है ये झंडा उत्तोलन, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अभी कार्ड हमको दिया जा रहा है हम लोग का भैया का तरफ से। यहाँ पर मेहमानों के लिए खाना पीना का बंदोबस्त किया जा रहा है। देखिए तो कितना आदमी का बन रहा है खाना? कितना आदमी का खाना? तो अभी फिलहाल हम लोग को बोला 5,000। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी अतिथि आए थे यहाँ पर स्टे किया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अभी सब अपना अपना ड्रेस पोशाक लगा कर निकलने वाला है। तो अभी कुछ ही देर में होने वाला है झंडा उत्तोलन, आप देख सकते हैं। समिति को उद्योग में होना कोई रहे बहुत संघ आसम क्या भाई समिति को श्री जो और दीप साउद एंसार लाई तमाम बहुत संघ का अध्यक्ष झंडा उत्तोलन को साथ साथ ही सबैले हात ताली मारेर स्वागत गर्नु होला। समय आज बसिराखे छु का टीम पूरा देखिए इस तरीके से। और अभी मेरा भाई लिख रहा है मेरा और एक भाई को ब्लेंडर कार्ड। और दोस्तों यहाँ पर देखिए भैया लोग भी आए हैं थोड़ा अपना सामान लेने के लेकर। कहाँ से हो भैया? विश्वनाथ चराली, तेजपुर। तेजपुर विश्वनाथ चराली से अपना सामान लेकर आया, ट्रेडिशनल ड्रेस। तो इसी तरीके और आगे भी देखते हैं क्या क्या सामान है। तो यहाँ पर ढाका का साड़ी और बहुत सारे चीज लेके आया है भैया। तो यहाँ पर दीदी लोग देख रहे हैं सामान, जो भी पसंद करेगा वही ले जाएगा हो ना। तो ये देखिए दादाजू कहाँ हो रहा है उन लोगों का? तेजपुर। तो सब तेजपुर का मार्केट लेके आए हुए हैं। ये खुगरी रेट कैसा है? ओ आप लेने वाले हैं? तो मेरा भैया तो देख रहा है लेने के लिए, कोई बात नहीं है। उदालगुड़ी। तो दोस्तों यहाँ उदालगुड़ी से आए हुए हैं मेहमान लोग, बहुत सारे लोग बहुत जगह से भी आए हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं फेदेंगमा लोगों को। और यहाँ पर देखिए फेदेंगमा लोग अपना फेदेंगमा यानी कि लिम्बू पुजारी, तो यहाँ पर अपना अपना सब सामान जुगाड़ करते हुए। सेवारो दाजु कहाँ बोलो दाजु? अरुणाचल। अच्छा तेजु अनि यता दाजु अरु गोलाघाट। अच्छा अच्छा सब गोलाघाट का है महागुरु लोग। गोलाघाट नहीं उड़ियाम घाट। अच्छा 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 उड़ियाम घाट से। तो इस तरीके से है लिम्बू पुजारी का हो रहा है यहाँ पर तैयारी, आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सुनीतपुर। तो दोस्तों सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं भैया लोग, और आप देख सकते हैं तो कहा जाए आसाम का 35 डिस्ट्रिक्ट से प्राय आ चुका है लोग। और कुछ ही देर में अभी निकलने वाला है यहां से शोभा यात्रा। फोटो खींच रहे हो क्या? यस। दीदी से वारो संजय। तो दोस्तों अभी शोभा यात्रा निकलने वाला है और हम लोगों को अभी दो लाइन में सेटिंग करना है भैया। तो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं यहाँ दो लाइन लेडीज और जेंट्स सब दुलान। बहुत ही खतरनाक वाला भीड़ है और यहाँ पर लगभग 10,000 करीब लोग आए हुए हैं असम के विभिन्न जगह से और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों। तो अब तो दोस्तों अभी समारोह आरंभ हो रहा है शोभा यात्रा का। यहाँ से देखिए जैसे लग रहा है यहाँ से लेके तिनसुकिया तक एक ही रैली हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बहन लोग जाते हुए रैली में आज। जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़िया।
दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है लिंबू का महागुरु, आप देख सकते हैं कि महागुरु गा रहे हैं, महागुरु लोग तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अभी ये कंट्रोल करना भी हद से मुश्किल हो चुका है, तो अभी इसको सही सलामत ले जाना है फील्ड तक, और उसका बाद क्या होता है दिखाते हैं आप सभी को। होता ख़त्म। और दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ रैली शोभा यात्रा का ख़त्म होने वाला है। भोजन करने के लिए यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और अपना अपना प्लेट थाली लेते हुए। तो सोल नहीं हो, भूख लागे क्यों? भूख लागे नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से भोजन के लिए आए हुए हैं लोग, और मेरा भाई अरे वितरण के लिए खाना दे वही ले। 5000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं इस शुभ यात्रा में भाग लेने के लिए। और भैया लोग देखिए, भात ले लो, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन खत्म होने से कारीगर अंदर में है, बना रहा होगा। मिल गया। अरे इतना बड़ा बड़ा आलू काटा हुआ है भाई। वेडियो खाना वेडियो नहीं आप कहो मौजल एक के चोटी धेरे लीन हुए। अरे चलो बाय। हम लोग पानी पी रहा है, बड़ोड़ाई खाना ठीक चा। इन लोगों को बहुत जोर भूख लग गया है, देखो भाई भूख के मारे आग बंद हो गया है। तो सुबह यात्रा और खाना पीना कर यहाँ अभी सभा आरंभ होने जा रहा है। और दोस्तों मेरा एक प्रॉब्लम हो गया, ये जो मेरा माइक है वो ऑफ हो गया था, तो इसका कारण यहाँ का जितने भी वॉइस है वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। और अभी ये तरावीर भाई ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक लिंबू सॉन्ग गाया, और इस सॉन्ग में ये छोटे छोटे बच्चे नृत्य करते हुए आप देख सकते हैं, जितने भी लोग आए हैं उनको एक मनोरंजन करते हुए। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये है लिंबू का फेदेंगमा येवा, यानी कि पुजारी अपने अपने फुल गेटअप पर आकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, और इनको ये आरसी कमेटी के तरफ से सम्मानित करते हुए। दोस्तों तो दोस्तों अभी यहाँ देखिए मेरा भाभी लोग सब गुस्सा हो रहा है, बीबी भाभी, क्योंकि उन लोगों का वीडियो नहीं आ गया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना हमारा भाभी, लग रही है कितना खूबसूरत लग रही है। हाँ मामा से एकदम लिंबू नहीं हो आदंगबा से सेवारो। और इधर में हमारा क्या होगा फूफ बहू काकी, हमारा काकी भी गुस्सा हो गया है दोस्तों देखो। तो जा रहे हो क्या, जा रहे हो गया देख लिया, मजा आ गया ना। এসটি মানুহবোৰৰ অৰ্থাৎ জনজাতীয় মূলৰ মানুহবিলাকৰ এটাই সমস্যা, মিটিঙত যেতিয়া বক্তাই বক্তব্য দিয়ে তেতিয়া আমাৰ মানুহবিলাক সেই বক্তাৰ বক্তব্য বহুবলীয়া বক্তব্যটো শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাথাকে, কিন্তু যেতিয়া নাচ গান কিবা এনেকুৱা খোৱা বোৱা প্ৰৱচনে তেতিয়া কিন্তু মাতবিলাক যথেষ্ট হয়। কিন্তু যদি অসম চৰকাৰে আমাক এসটি ডিমাণ্ডটো যদি প্ৰদান কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ সংস্থাৰ পৰা কিবা এটা কি ৰায় থাকিব জানো ভাই? হয়, আমাৰ ফালৰ পৰা মই আগতেও ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিছোঁ যে আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো এনেকুৱা বিৰোধিতা নাথাকিব, কাৰণ আমি লিম্বুত আমাৰ সকলক জনজাতি মূলৰ মানুহ বুলি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ আৰু আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ, কাৰণ আমি জানো যে তেখেতসকল মংগোলীয়ান গোষ্ঠীৰ মানুহ, আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে অকল কেৱল অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰা জনজাতীয় মূলৰ মানুহখিনিক আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ আৰু জনজাতীয় মূলৰ মানুহ বুলি তেওঁলোকক আমি স্বীকৃতি দিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে অসম চৰকাৰে মদাহীসকলক যোৱা 1 তাৰিখে তেওঁলোকক এটা ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছ দিছে নতুনকৈ, কিন্তু তেখেতসকল আগত আছিলে কিন্তু কিবা কাৰণত, কাৰণ তেওঁলোকে নিজকে জনজাতি বুলি ক'বলৈ লাজ কৰাৰ নিচিনা হৈছে, তেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে কিছুমান মানে হেৰিলৈকে কনভাৰ্ট হৈছিলে, উচ্চ বৰ্ণলৈকে তেওঁলোকে কনভাৰ্ট হৈ যোৱাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছটো কথা কৈছিলে। আকৌ 1 তাৰিখে
তেওঁলোকে ষ্টেটাস তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমিও তেওঁলোকৰ লগত মিটিং কৰিছোঁ প্ৰায় তেওঁলোকৰ বিভিন্ন এৰিয়াত গৈ মিটিং কৰিছোঁ দহ বাৰটা জেগাত তেনেকৈ আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাইছোঁ তেওঁলোকে ষ্টেটাস পাইছে তো আপোনালোকেও পাব লাগিব तो आप लोग सुन चुके हैं ऑल असम ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी पेगू सर ने क्या कुछ कहा लिंबू तामांग के बारे में और उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये भी कहा है। जितने भी वक्ता थे सब अपना अपना राय रख चुका है और अभी शाम का समय में जितने भी लोग दूर दूर से आए हैं वो सब यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो भाई को सपोर्ट करना लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करके। और फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय असम।